सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पेज 176 74। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य तो एक है। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य एक है। सृष्टि ज्ञानमयी बने तो सृष्टि भी मधुरा ही है। राग द्वेष निवृत्त हो तो प्रेम ही बस प्रेम है। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य तो एक है। विविध कर्म कर भी नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त हो कर्म बंध से मुक्त है। द्रव्य जो कुछ है जगत में है सभी परमेश्वर का। दान कर तो त्याग ममता ज्ञान है अतीत है। ज्ञान कर तो त्याग ममता ज्ञान यह अद्वैत है। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य तो एक है। नाम रूप अनेक है मगर परमार्थ सत्य तो एक ही है। जो ये गुरु जी ने लिखा है भजन, इसमें ईशावास्य उपनिषद से आया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यं जगत। तो ईशावास्य उपनिषद के ये जो वर्णन है भाव कि तेन त्यक्तेन भुंजीताः, वो भगवान को समर्पण करके कर्म करे, विविध कर्म करे भी नरतो कर दे अर्पण ब्रह्म को। और इसी प्रकार दृष्टि ज्ञानमय दृष्टि रखें तो सब सृष्टि मधुरा हो जाती है। राग द्वेष अगर निवृत्त हो गया है तो प्रेम ही प्रेम है। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त हो कर्म बंध से मुक्त है। इस प्रकार के कर्म करने से प्रभु के प्रसाद से शुद्ध चित्त हो जाता है, अंतकरण शुद्ध होता है। और ये भावना रहती है द्रव्य जो कुछ है जगत में सभी परमेश्वर का, सब परमेश्वर का है। जान कर तो त्याग ममता
ज्ञान यह अद्वैत है। इस प्रसंग का हम लोग तैत्तरोपनिषद में भी देख रहे थे कि अतिथि सत्कार और अन्न दान और गृहस्थ जीवन में किस प्रकार के ब्रह्म की उपासना करना है वो बताए गए थे। कल और परसों के क्लास में पांच ऋण है और ये पांच ऋण को दूर करने के लिए पांच यज्ञ ये बताई गई थी, और एक है प्रत्येक दिन में पांच पाप हो जाता है, पंच पाप। तो स्मृति में पंच पाप के बारे में बताई गई है, क्या श्लोक है, कंडनी पेशणी चुन्नी उदय कुंभी चमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य ताभिहि स्वर्गम न बिंदति। यह अर्थ क्या हुआ, कंडन जब गृहस्थ जीवन में, इवन केवल गृहस्थ नहीं संसार में रह रहे हमने पाप हो रहा है, सिर्फ लिखा गया गृहस्थस्य, क्योंकि जो ब्रह्मचारी है जो सन्यासी है जो वानप्रस्थ है उनको ये सब व्यवहार करना नहीं पड़ रहा इसलिए बताया। मगर गृहस्थ से भोजन तो लेते हैं ना, तो भोजन बनाने में जितना पाप अंश पड़ता है उसमें आठ लोगों को जाता है, जो खाता है जो बेचता है जो देता है। तो इसलिए ये एक श्लोक है, व्यवहार में जब हम करते हैं जाने या अनजाने ये पांच द्रव्यों से हमारी यहाँ पाप गलतियां हो जाती है। कंडनी, कंडनी क्या होता है, संस्कृत में कंडनी माने चक्की, पुराने जमाने में उलूखल भी होता है चक्की, धान को पेसने के लिए, धान को ग्राइंडिंग करने के लिए उसको बोलते हैं कंडनी, चक्की। आजकल जो मशीन है वो क्रशर या चावल से धान बनाने का जो मशीन होता है उसी को ही कंडनी कहेंगे। हिमाचल में तो पानी से जो पानी होता है ना, पहाड़ में पानी आ जाता है और उसको इतना सुंदर करते हैं। हमारे जो सिद्धवाड़ी आश्रम से जस्ट 2-3 किलोमीटर डायमीटर 6-7 हमने देखा था, धीरे धीरे अभी बंद हो जाता है क्योंकि पानी का जो स्रोत है वो बंद हो जाता है। अब बीच में कोई रास्ता में पहाड़ के ऊपर से घर बना दिया, पानी का स्रोत चेंज हो गया। फिर इकोलॉजी के कारण पानी जो पहले 25-50 साल से पहले होता था अभी कम हो जाता है, तो फिर पानी का स्रोत से वो चक्का घूमता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी, देखने में। नेपाल में भी अलग अलग जगह पर हमने देखा है कंडनी, तो उसी को कहते चक्की। स्वामी जी हमारे पास चक्की नहीं है, कंडनी नहीं है, तो जो चावल जो आटा आता है वो बिना चक्की बिना कंडनी से आता है, कोई ना कोई किया है वो, उससे जो जीव हत्या हुई है प्राणी हिंसा हुई है। अच्छा रोज जो हम ग्राइंडर में कुछ करते हैं उससे हमको पता नहीं चलता है ना, जो थोड़ा सा बायोलॉजिस्ट वाले हैं तो वो देखेंगे हर कुछ भी में इंसेक्ट है, माइक्रो जीव है एमोइबा जैसा, तो कंडनी। सेकंड है ये वाला है मोर्टर पेस्टल कहते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट वाला कंडनी, सेकंड वाला पेशणी, पेशणी को कहते हैं शीन ग्राइंडिंग स्टोन पेशणी, ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं पेशणी, चूल्हा, ये जो हम लोगों के ओवन हो या गैस चूल्हा हो उससे तो पता ही नहीं चलता है कितने मर जाते हैं। तो कंडनी पेशणी चुल्ली उदय कुंभी, उदय कुंभी पुराने जमाने में इवन गर्मी के दिन में हम लोग भी रखते हैं, बालू रखते हैं और बालू के ऊपर
सुराही रखते हैं जिसमें पानी को रखने के लिए, उसको बोलते उदय कुंभी, जल कलश। वो समझिए हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, और जो थर्मस फ्लास हो, वाटर जग हो, या ओरा हो, फिल्टर हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो कीड़े हो मरते, हमें दिखाई नहीं देता। वो कहे चौथा, पांचवा मार्जनी, मार्जन मैंने झाड़ू, झाड़ू करते हैं तो उससे भी कीड़ा चला जाता है। अन्य समझे, हमारा जो रूम है ना, अमेरिका लंदन वाले हैं, झाड़ू जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, कारपेट पड़ा हुआ है, अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर, वो जरूरत पड़ता है ना। हाँ, उससे धूल के साथ कीड़े भी जाते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। कोई कुछ गलत करता ना, तो स्वामी जी मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं ऐसे बिजी हूं, मैं ऐसे नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया, वो है, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो जो गुरु है, जो भगवान है, जो धर्म है हमारे शास्त्र में, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ऐसे करो, ऐसे नहीं कर सकते हो ऐसे करो, मगर इन पांचों से एक्सक्यूज नहीं है। होता तो है, जब होता है, मगर हमारे जो धर्म है वो बड़े दयालु है, इसके लिए एंटीडोट का विचार किया, हर चीज का एंटीडोट किया। अब जैसे COVID-19, ये पता नहीं COVID-19 नाम से आया है, अभी 3 साल तो हो रहा है, अभी बूस्टर भी जरूरत पड़ रहा है, और ओमिक्रॉन फिर और वेरिएंट क्या क्या नाम से आता है, एंड ये इसको झूठ भी नहीं कह सकते, लोग मरते भी है, तबीयत खराब भी होता है। ये नहीं कि उसके पहले भी नहीं होता था, होता था, उसका नाम कुछ अलग होता था, कोल्ड एंड फीवर, अभी इसका नाम है, इसको आप नकार नहीं सकते हो, है। पहले पे था, समझ में नहीं आता था, लोग नकारने चलते, ये सब झूठ है, जब मर जाते हैं ना तो पता चल जाता है झूठ नहीं है ना। तो उसके लिए भी एंटीडोट दिया जाता है, बूस्टर है, डोज 1 है, डोज 2 है, प्रिवेंटिव है, क्योर करने के लिए। तो हमारे भी शास्त्र में एंटीडोट है, बूस्टर भी है, डोज भी है, डोज का अलग अलग नाम है, इसी को ही कहते हैं पंच यज्ञ। अभी समझ में आया, अर्थात पंच पाप रोज होता है, रोज किसी ना किसी 5 प्रकार के, ये तो एक फिक्स बताया 5, उससे तो ज्यादा ही होता है, और 5 से अलग, जैसे भोजन 4 प्रकार है, या तो भक्ष्य, या चर्बी, भक्ष्य और चर्बी एक ही में डाला जाता है, भोजन करते हैं तो चबाते हैं, चावल रोटी चबाते हैं, फिर कुछ है पेय, पेय ना कुछ कुछ पी लेते, अब डायरेक्ट किसी ने आपको ऑरेंज जूस दिया तो उसको आप पकड़ करके ऐसे क्या करते हो, मैं चबाता हूँ, अरे बाबा ये जूस है, चबाने का जरूरत नहीं है, ये अनार है, अनार जूस है, उसको डायरेक्ट पियो, तो उसको पीना पड़ता है, मगर अगर कोई अनार के दाने रखा तो चबाना पड़ता है, वो हो गया चर्बी, और ये ग्राइंडिंग करके दे दिया तो हो गया पेय, तो चर्बी और पेय 2 हो गया, और एक होता है लेह, लेह माने चटना। अब समोसा के साथ ये जो मीठी चटनी है ना, तो वो क्या है, उसको उसको बोलोगे मैं खाऊंगा, मैं चबाऊंगा, अरे ना बाबा इसको अब चाटो, चटना। गुरुजी बड़ा सुंदर कहते चटनी माने चटनी, चटनी खाली ऐसे रोटी या वो सब जाता नहीं है, डिफिकल्ट होता है, उसके साथ चटनी अगर दे दो तो चटनी आते, वो भी चला जाता है, उसके साथ दूसरे को भी चला जाता है, इसलिए चटनी। कठोपनिषद में यमराज को चटनी कहा गया, भगवान का, इसका अर्थ क्या है,
अरे जैसे कोई आदमी भोजन करता है ना, जो चटनी माने बड़ा अनायास में लेता है, चटनी कोई समस्या होती है खाने के लिए, किसको पसंद है किसको पसंद नहीं वो अलग बात है, और जब अगर कोई खाएगा तो तुरंत चला जाता है अनायास सहज। ये काल जो है ना, ये यमराज ब्रह्म के लिए कुछ नहीं अनायास है, उनके अंडर है और वो अंडर ले सकते हैं, ये अर्थ है। और ब्राह्मण जो क्षत्रिय है ना, वो ओदनम है, ओदन मन क्या चावल है, ऐसे वर्णन है ठीक। द भक्ष्य मैं बता रहा था, चर्व्य पेय लेह और एक बचा है चोष्य, चूसना। अब आम मिला कोई चूसने में, किसी ने हमारे इंटरव्यू कर रहे थे, पीएम को पूछ रहे थे कि आम, किसी ने पूछा है छोटा बच्चा आप आम जब खाते हो काट के खाना पसंद करते हैं ना चूसना पसंद करते हो, तो थोड़ा हंसने लगे और कहा कि सच सच बताऊं तो मुझे तो वो चूसना पसंद आता है, प्राय लगभग सबको, कोई कोई नहीं नहीं काट के दो, चूसने में कहीं गिर जाए तो, चूसने में संभावना है गिरने का, और जो अगर पका हुआ है तो वो निकल भी जाने का। ये चार प्रकार का भोजन, तो चार प्रकार का भोजन में सिर्फ क्या चार प्रकार के भोजन होता है नहीं, उससे अनगिनत है। इसी प्रकार पांच प्रकार के द्रव्य से मनुष्य जो पाप करता है, सिर्फ पंच पाप नहीं होता है, इनमें से पूरा अनेक पाप होता है ठीक। और गृहस्थ को पाप ज्यादा होता है, हे भगवान गृहस्थ को ज्यादा पाप होता है हाँ, मगर उसके लिए भी शास्त्र में एंटीडोट बनाया गया। क्या बताया, जो गृहस्थ कमाता है वो जितना दान देता है ना उससे वो पाप कट जाता है। और गृहस्थ का जीवन देखो, ब्रह्मचर्य को खाना देना पड़ता है, सन्यासी को देना पड़ता है। अभी तो हमारे जैसे पटियाला हो या मैं रांची में था या अलग अलग सेंटर में जहां जहां है, माने सेंटर के दृष्टि से आश्रम तो ही, आश्रम कहना के मतलब है सब कुछ सिस्टमेटिक, हमारा ये जो है सेंटर नहीं है, ये हम आश्रम बोलते, सेंटर से मोर फैसिलिटी से उसको बोलते आश्रम। सेंटर में क्या है, बिल्डिंग है, थोड़ा सा गमला रख दिया तो काफी है, मगर कोई पेड़ पौधे नहीं होगा, हो गया। रामचरितमानस में वाल्मीकि आश्रम के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान राम जब जाते हैं आश्रम क्या होता है, जहां पेड़ पौधे हो। तो अब हमारा आश्रम कौन सा खरा उतरेगा, तो ये उतर जाएगा, बॉम्बे भी उतर जाएगा, सिद्धवाड़ी तो बढ़िया से उतरेगा, उत्तरकाशी भी उतरेगा, ऐसे बहुत जगह उतरेगा खरा। और एक है पेड़ के कारण चिड़िया भी आके चहचहाक में होती है, वो कुछ कुछ पेड़ रखोगे क्रिसमस पेड़ पेड़ है और चिड़िया ही नहीं आएंगे, ये वर्णन है। और एक आश्रम का अर्थ क्या है, जहां पर वहां वर्णन है, तो वहां जब राम प्रवेश करते हैं भगवान, तो वाल्मीकि आश्रम में देखते हैं सब विरोध वाले वो खेलते हैं, ये आश्रम की विशेषता है, जहां बैर न हो, कोई शत्रुता न हो ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ आप देखना, आश्रम में भोजन ऑलरेडी बनता है, इसलिए सन्यासी को मांगना नहीं पड़ता है। और बहुत सेंटर है, मैं जानता हूं कि वहां ऐसे सुविधा नहीं है, और कमेटी भी चाहता है क्या जरूरत है, ज्यादा खर्च होगा, कम तो है, चलो हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे को कर ले। मुझे पता है, मैं राउरकेला में था, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, मेरे लिए सब आ जाता था, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो अलग अलग डिवोटीज लोग, वो दान हो जाता है, ब्रह्मचारी को देना होता है, सन्यासी को देना होता है, ग्रह माने वानप्रस्थ को देना होता है, उससे जो रोज हम पाप करते हैं उसे जब दे देते हैं भिक्षा, उससे कट जाता है। इसलिए पंच यज्ञ है, उसके बारे में चल रही थी बातें। अब अभी के जो प्रसंग है उस प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार हो गया, जो इस प्रकार के जानते हैं, ये प्रकारांतर में ब्रह्म उपासना है,
अब तीन प्रकार के मेडिटेशन बताना चाहते हैं। तीन प्रकार के मेडिटेशन, एक होता है आधी भौतिक मेडिटेशन, और एक होता है आधी दैविक मेडिटेशन, और एक होता है आध्यात्मिक मेडिटेशन। तैत्र उपनिषद के पूज्य गुरुदेव जो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो जो श्लोक है क्षेम इति वाची, उसमें उन्होंने कहा है, बाद में हम आप लोग देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि मैं पहले पढ़ लेता हूं उनका इंग्लिश, उसके बाद मूल संस्कृत पढ़ेंगे। द एनालिटिकल ब्रेन ऑफ द इमॉर्टल ऋषि ऑफ इंडिया कुड क्लासिफाई एनी सब्जेक्ट हाउएवर कंफ्यूजिंग इट मे लुक टू द ऑर्डिनरी मैन। माने ये ऋषियों की खूबी है, कोई भी चीज को वो बड़े ध्यान से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मगर जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है उनको तो कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि वो उन्होंने इस ढंग से सोचा नहीं है। एंड कंसेंट्रेशन कैन बी डेवलप्ड बाय मेडिटेशन अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू क्लासिफाई ऑल द पॉसिबल मेथड्स ऑफ मेडिटेशन वुड बी ए प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अनकंसीवेबल टू एनी स्टैटिशियन। माय गॉड, गुरुदेव क्या शब्द यूज कर रहे हैं, स्टैटिशियन। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के दृष्टि से विचार करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट है, मगर जो कोई साधक है, चिंतन करता है, विचार करता है, तो वो तीन प्रकार के मेडिटेशन है, और ये कंसंट्रेशन होने के लिए तीन प्रकार के। पूज्य गुरुदेव अपना प्रवचन में, मुझे याद है जब मेडिटेशन क्लास लेते थे कैंप में, स्पेशली सिद्धवाड़ी में, अलग अलग कैंप में, मॉर्निंग क्लास में तो गुरुदेव उपनिषद या विवेक चूड़ामणि या कोई कोई छोटे छोटे ग्रंथ लेते थे, निर्भर करता था कि गुरुदेव कितने समय दिया है एक सेंटर के लिए। एंड ये विवेक चूड़ामणि आदि सब ज्यादातर कैंप में ही हुआ है, जो सिद्धवाड़ी कैंप, फॉरेन के कैंप में। ये जो अपरोक्ष अनुभूति अभी हम लोग नेक्स्ट लेने वाले हैं, वो भी गुरुदेव का है, मैंने ऑर्डर कर लिया, वो आए जाएगा। इंग्लिश में ओरिजिनल गुरुदेव का ही टॉक है। कभी कभी ना हम लोग धीरे धीरे गुरुदेव से छूट रहे, थोड़ा दूर हो रहे, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हमने सोचा चलो गुरुदेव ने इसके ऊपर प्रवचन दिया। गुरुदेव ने प्रवचन को ही बाद में लिखा गया है, उनके पास समय नहीं रहता था। जो प्रवचन है पहले जमाने में जो डिवोटी होते वो सुनते थे, लिखते थे, टाइप करते थे, और गुरुदेव वहीं पर ही बन जाता था, नेक्स्ट किताब हो जाते। कुछ ऐसे होता था उनका प्रवचन, सपोज 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन दिया, प्रवचन में बस खत्म और किताब निकल जाती है। कभी कभी किताब में के लिए प्रूफ रीडिंग जरूरत है, प्रिंटिंग जरूरत है, वो टाइम लगता था। और कुछ साल में एक दो बार जब उनको मिलता था मौका उत्तरकाशी में, वहीं बहुत लिखे हो, सिद्धवाड़ी में कैंप करने के लिए ही बहुत आते गए, इसलिए उनको समय नहीं मिलता था। और उत्तरकाशी में कोई जैसे पंजाब में या कोई दिल्ली में कोई ज्ञान यज्ञ कैंसिल हो गया तो गुरुदेव कहते लेट अस गो टू उत्तरकाशी। और ये देखो, ये गुरुदेव की खूबी है, कुछ कुछ ना गुरुदेव के बारे में जानने से मजा आता है, अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन लगता है, एंड खबर भी नहीं देंगे, ऑल एन सडन डिवाइन लाइफ सोसाइटी को जाएंगे। डिवाइन लाइफ सोसाइटी एंड उनका तो जली नेचर है ना, उनका जली नेचर है, तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अंदर जाकर के किचन में जो होंगे उनको बोल करके बस भोजन कर लेंगे, बैठेंगे जो उनके साथ जो डिवोटी, खास डिवोटी होंगे कार में, फिर उनके जो मेन है हेड मिलेंगे, बोले स्वामी जी व्हाई नॉट यू डू इन्फर्म, हम आपके लिए सब व्यवस्था करते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, आपको पूर्ण को व्हाट आई डोंट नीड एनीथिंग, इट इज माई होम। मेरे घर आने के लिए
मुझे कुछ जरूरत पड़ेगा, ये मेरे गुरु के घर है, ये भाव है, ये इतना सुंदर भाव है। तो जितने भी गुरुदेव का प्रवचन में उन्होंने, ये तैतृ उपनिषद भी ऐसे ही है, प्रवचन उन्होंने देते गए और लिखते गए, उन्होंने कहा क्या है कि कंसेंट्रेशन एंड मेडिटेशन दो शब्द के ऊपर कहा है, टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूं। जो मेडिटेशन आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट सिखाते थे, वो कहते थे मेडिटेशन कैन नॉट बी टॉट, मेडिटेशन कैन नॉट बी डन, व्हाट वी डू इज कंसेंट्रेशन। होल वर्ल्ड एनी टीचर इन एनी रिलीजियन जो भी बताता है वो सब कंसेंट्रेशन बताता है, मेडिटेशन नहीं। कंसेंट्रेशन इज अ प्रोसेस, कंसेंट्रेशन इज द रियलम ऑफ द माइंड, वेयर इज द मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग। कंसेंट्रेशन विल स्टार्ट एंड वी रीच इन मेडिटेशन। बट जनरली होल वर्ल्ड में मेडिटेशन का ही नाम यूज किया गया है एंड उस शब्द में परिचित है इसलिए यूज किया। तो गुरुदेव ने दोनों ही यूज किया है। क्या द कंसेंट्रेशन कैन बी डेवलप्ड बाय मेडिटेशन, सोचो तो द कंसेंट्रेशन कैन बी डेवलप्ड बाय मेडिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू क्लासिफाई ऑल द पॉसिबल मेथड्स ऑफ मेडिटेशन वुड बी द प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल टू एनी स्टैटिस्टिशियन। बट द हिंदू ऋषि हैड क्वाइट सक्सेसफुली ब्रॉट all the Indian existing methods of meditation, all possible future methods of meditation, classification being upon the best of the conditions of the character of the goal of meditation under three main headings। इतना बताने के बाद कहा कि तीन concentration क्या है, चित्तवृत्ति निरोधः जो योग में है वो है चित्तस्य एकदेश बंधः इति धारणा। धारणा क्या है, चित्तस्य एक देश बंधः। देखो ये गुरुदेव ये यूज कर रहे, कंसेंट्रेशन कैन बी डेवलप्ड बाय मेडिटेशन अपॉन एन ऑब्जेक्ट। कंसेंट्रेशन कोई एक ऑब्जेक्ट है, चित्तस्य एक देश बंधः, एक देश में पकड़ना रखना, इसको ही कंसेंट्रेशन कहते हैं। कंसेंट्रेशन को धारणा, मेडिटेशन ध्यान, इसको तीन भाग में विभक्त किया गया है। एक है आधिभौतिक, व्हेन द एम ऑफ मेडिटेशन कैन बी अपन एन अनमैनिफेस्टेड आइडिया और आइडियल, आधिदैविक अर्थात पोटेंशियलिटी, जो देवता शक्ति है उनको अगर ध्यान करते हैं। व्हेन द एम ऑफ मेडिटेशन कैन बी अपन एन अनमैनिफेस्टेड आइडिया और आइडियल, आदि भौतिक क्या है, व्हेन द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट फेनोमेनन दैट इज मैनिफेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट हो, सृष्टि के कोई एक फेनोमेना हो, जैसे आकाश वायु अग्नि जल वो वाला। और आध्यात्मिक है, व्हेन द इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट एट कंसंट्रेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फिजिकल स्ट्रक्चर और द इनर वर्ल्ड। आध्यात्मिक में फिजिकल स्ट्रक्चर या तो इनर वर्ल्ड का होगा, इन तीनों को लेकर के बताया गया है। अभी ये एक मेडिटेशन कंसंट्रेशन किस प्रकार के उपासना के अंतर्गत बताया, सुन लीजिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, य एवं वेद क्षेम इति वाची, मैं पढ़ता हूं। य एवं वेद क्षेमयति वाचे, योगक्षेमयति प्राणापानयो, कर्मेति हस्तयो, गतिरिति पादयो, विमुक्तिरिति पायो, इति मानुषे समज्ञाः। ये मानुषी समाज्ञा बताया गया है, जो
under these groups of all upasanas can find a place. We have here the adhyatmic and happy combinations of the latter two forms of meditation. This is to say, we have the scheme of meditation described when adhidaivika truths are recognized in adhivotic phenomenon. अभी जो बोल रहे हैं ना वो आध्यात्मिक वाला, इसको मानुषी समाज्ञा नाम दिया शास्त्र में ना खुद उपनिषद में, अर्थात दी ध्यान दी चिंतन उपासना रिलेटेड विथ अपना स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर और मन। गुरुदेव ने जैसे इंग्लिश में कहा आध्यात्मिक में क्या है, आध्यात्मिक में द इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स एट कंसंट्रेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज ओन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इनर वर्ल्ड। इसको कहते हैं मानुषी समाज्ञा। क्या मानुषी समाज्ञा? एक प्रकारांतर ब्रह्म उपासना, एक चिंतन। अर्थ क्या है? अर्थ ये है सवेरे उठते उठते मनुष्य, अगर जैसे गीता में, मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं तो भी आपको समझ में आएगा, जैसे गीता में अर्जुन कहते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता हूं, इसलिए भक्ति योग में भगवान कहते हैं मई एव मनो आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवेशिष्य से मई एव अतोर्ध्वं न संशय अथ चित्तम समाधातम न सक्रोश मई स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामुच्छाप्त धनंजय। ऐसे कहते कहते 8, 9, 10, 11 में 5 मेथड बताते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो ये करो, ये नहीं कर सकते वो करो, और तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, ज्ञान नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते हो ठीक है कर्म करो, पर कुछ ना कुछ तो है। ये हमारे वेद माता है, बफे सिस्टम है, तुम वो पसंद नहीं है तो ये करो। जॉइंट फैमिली में ना, जिसमें जॉइंट फैमिली है 20 लोग होंगे और खाना एक साथ है, एक बच्चा बोलेगा मुझे बैगन नहीं चाहिए, सब्जी में बैगन हो तो खाएगा नहीं, एक बच्चा आलू पड़ेगा तो नहीं खाएगा, एक बच्चा आलू ही खाएगा, तो जो देने हैं बड़ा, जो माँ है देखना त्याग। कभी कभी बचपन में हमें मौका मिलता था ऐसे घर जाने के देखने के, अभी बहुत कम है, जाते हैं हाँ सब लोग रहते हैं ना, हाँ सबका फिर किचन अलग अलग है तो फायदा क्या है। मैं बहुत घर जाता हूँ देखता हूँ, रहते हैं किचन अलग अलग है तो बहुत रेयर है कि सब लोग साथ में रहो और किचन एक हो। किसी को मैंने पूछा, मैं अभी गया था कटक में, पूछा किचन एक है ना और तुम बड़ी हो ना, फिर तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है? नहीं स्वामी जी, अभी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मगर देखना सेकंड वाले थर्ड वाले सब कर लिया होगा, सचमुच कर लिया। बोले अरे तुम तो मेरे पास लगभग 7-8 घंटे से हो और इतना घर सजावट है, मेरे लिए चाय मेरे लिए बनाया के सब कैसे तुमने बताया? उन लोगों को बता दिया, हो गया, वेरी गुड। इसको कहते हैं कलेक्टिव। तो उसमें हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे ही, कोई ध्यान नहीं कर सकता ओके तुम्हारे लिए उपासना है, कोई उपासना नहीं कर सकता ओके तुम्हारे लिए कर्मयोग है, कोई कर्मयोग नहीं कर सकता है ओके तुम्हारे लिए मंदिर है, अलग अलग मेथड। तो यहां कहते हैं ये एक मेथड है। क्या? सवेरे उठते उठते तुम क्या करोगे, किस प्रकार के देखोगे, तुम्हारा जो वचन है, देखो शब्द डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, मनुष्य उठते ही ना शौच आदि करने के बाद या तो शौच से पहले उठते ही किसी से बात करता है कि नहीं, अकेला तो रहता नहीं, परिवार में रहता है तो वाणी स्टार्ट हो जाता है उसका। ऋषि लोगों, जो ऋषि लोग होते हैं ना वो लोग तो या तो खुद एक्सपीरियंस है, सब लोग ऋषि तो शादीशुदा थे, गृहस्थ थे, बहुत रेयर है वामदेव या नारद सुखदेव जैसा है, बाकी तो सब बहुत, अभी जितने भी ऋषि हम लोग उपनिषद के पढ़ते थे तो सब शादीशुदा है, उनको अनुभव भी है और वो ध्यान से सब जान लेते थे और देख के ऑब्जर्वेशन से।
तो कहते हैं मनुष्य जब उठता है ना, स्टार्ट एक करता है वाणी से बात करने में, वो मेडिटेशन छोड़ो, तुरंत वो मेडिटेशन करेगा नहीं। कोई एक लेमैन, कोई एक साधारण मनुष्य वाणी विचार करता है ना, बात करता है ना, हाँ तो बात तो करता है वाणी, तो सुनो इस वाणी को कैसे साधना बना सकते हो। अच्छा, वाणी को साधना बना सकते हैं ना, हाँ किस प्रकार के बना सकते हैं, ना क्षेम इति वाची, क्षेम नाम उपत्त परिरक्षणम ब्रह्मवाची क्षेम रूपेण प्रति प्रतिष्ठितम इति उपास्यम। अर्थ क्या है ना, अर्थ यह है कि जो मनुष्य वाणी जो है वो क्षेम इति वाची, अर्थात वाणी में क्षेम रूप ब्रह्म को देखो। क्षेम क्या होता है, आचार्य शंकर क्षेम के परिभाषा कहते हैं, प्राप्त की परिरक्षा का नाम है क्षेम। अर्थात तुम ऐसे वाणी बोलो जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर अटक के रहेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का पा खोए, आपन को शीतल करे औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे और आपन को भी शीतल करे, इसको बताते सचे। ये चीज है जो इतने बड़े कठिन तत्व को कबीरदास जी ने सरल में बता दिया। ये वाणी के बारे में तो कबीरदास जी का बहुत है दोहा कि ऐसा वाणी है जो घाव भी हो जाता है और वाणी है एक औषध भी होता है, ये एक साधना है। अर्थात मनुष्य जब उठता है तो किसी के साथ इंटरेक्शन करता, मैंने आपको बताया था ना इंटरेक्शन और एक है एक्शन, इंटरेक्शन मनुष्य के साथ करता है और वहीं से गड़बड़ हो जाता है ना व्यवहार में भी। आप देखना जब घर में भी रहते हैं, वाणी से ही प्रॉब्लम होता है, कोई कुछ को बोल दिया, किसने कुछ बोल दिया, अनेक घटना होती है, कोई कुछ बोल दिया तो हम कहते बेटर शांत रहो, नहीं क्यों वो गलत कहा, अरे तुम्हारा अधिकारी कहाँ है, हमें समझना चाहिए किसी को टोकने के पहले हमें अधिकार है कि नहीं, जब अधिकार नहीं है बोलना नहीं चाहिए, ये बात बता रहे। क्षेम इति वाची, अर्थात वाणी में जो क्षेम रूप में, अर्थात इसी से क्या है ना, सपोज कोई गलती कर दिया, गलत वाणी बोल दिया तो वो कहते तुम गलत वाणी से दूसरे को कष्ट हुआ, तुमको भी कष्ट हुआ और उससे ब्रह्म को तुम रख नहीं पाए। क्षेम इति वाची माने ब्रह्म को रखने के लिए जो मेथड है, क्षेम माने क्या, रखना, प्राप्त अप्राप्त वस्तु प्राप्ति ही इति योग प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेम, तो प्राप्त वस्तु को रखना माने तुम जो ब्रह्म है तुम्हारे जो शांति है वो चली गई, अशांति आ गई, माने यू आर नॉट एट पीस रेदर यू आर इन टू पीसेस। कितना सुंदर कहते हैं, अर्थात वाणी एक ऐसी चीज है आप ब्रह्म को रख सकते हो। माने ऋषियों ने कितना सोचा है, सोचो, मैं इस पॉइंट को सोचते सोचते बहुत भावना आ जाती है। उन्होंने कहा कि देखो वाणी है, वाणी के साथ तुम्हारा भगवान को रखने का कनेक्ट है, तुम अगर वाणी अच्छे बोलोगे भगवान तुम्हारे पास रहेंगे, नहीं रहोगे बोलोगे भगवान चले जाएंगे। ये हो गया, इसके बारे में तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब नेक्स्ट जाओ, योग क्षेम इति प्राणापान यो हो, अर्थात ये जो प्राण और अपान है, ये जो व्यवहार चलता है, प्राण मैंने जो लेना अपान मैंने छोड़ना, ये योग क्षेम है। सारा संसार में हमें योग क्षेम ही करना पड़ता है ना। गीता के नवम अध्याय में, लास्ट अध्याय में हम लोगों ने देखा था, नवम अध्याय
अभी शायद हम दसम अध्याय लेंगे, हाँ कुछ दिन के बाद। नवम अध्याय में एक श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। वहां शब्द है योगक्षेमं। ये जो योगक्षेम है वो क्या है ना, ऐसे ही योग का अर्थ शंकराचार्य कह रहे हैं, अप्राप्तस्य प्राप्तः इति योगः, प्राप्तस्य रक्षणम् इति क्षेमः। यहां पर भी बता रहे हैं क्या, तो योगः क्षेमः तस्मात् ब्रह्म योग क्षेमात्मना प्राणपानयोः प्रतिष्ठितम् इति उपस्यम्। अर्थात प्राणपान जो तुम ले रहे हो ये खाली सांस लेना नहीं है, ये तुम ब्रह्म को अपने पास प्राप्त कर रहे हो और रख रहे हो। कितना सुंदर है, अर्थात तुम मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हो चलेगा, मगर तुम प्राण ले रहे हो तो ऐसे ही जीने के लिए प्राण ले रहे हो, ऐसे नहीं है। न प्राणे न अपाने न जीवति मर्त्यः कठोपनिषद। मनुष्य सिर्फ प्राण और अपान के कारण जीवित नहीं रहता है, बल्कि ये प्राण अपान उसके ऊपर आश्रित है, और वो जो जीवन है जो चेतन है वो चेतन के कारण मनुष्य प्राण अपान लेता है। जब भी तुम प्राण अपान लेते हो उस समय तुम ब्रह्म को कनेक्ट करो, योग क्षेम प्राण अपान यो हो, है ना। देखो योग क्षेम इति प्राण अपान यो हो। अब कहते सुनो, जब मनुष्य वाणी कर दिया सोच आदि कर दिया देन कर्म में व्यस्त रहेगा, कर्म इति हस्तयो हो। ये ऐसे तो हम तत्वबोध में पढ़े थे, हस्तयो हो विषयम किम कर्म, उसका देवता कौन है, इंद्र। तो कहते देखो हस्तयो हो कर्म, द्वारा जो तुम कर्म करते हो वो कर्म भी भगवान है। अच्छा कर्म भी भगवान है ना, थोड़ा सा समझा, क्योंकि हमको थोड़ा समझ में नहीं आता है ना, समझने के लिए चलिए भगवान कृष्ण को बुला लेते हैं। अच्छा कृष्ण को बुला लेते हैं, हाँ वो बता देंगे कर्म कैसे ब्रह्म है। अच्छा हाँ, और उसी श्लोक को रोज हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं, थोड़ा याद दिलाइए ना, भोजन का समय, भोजन के समय गाते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हो गया ना ब्रह्म कर्म। अच्छा ऐसे, और ओहो हमें तो सोचना भी आया ही नहीं, तुम सुनो ना, जब सुनोगे तो सोचने में आएगा। गुरु शिष्य संवाद में ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो अर्थात हर कोई कर्म को तुम ब्रह्म बना सकते हो। जब तुम कर्म कर रहे हो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मे वतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, अर्थात हस्तयो हो कर्म इति उपास्यम भवेत। जब तुम कर्म करते समय ब्रह्म समझोगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, कोई भी कर्म करते तो मुझे ही त्याग करके मुझे ही समर्पण करके करते हो, वो ही ब्रह्म कर्म है। कर्म इति हस्तयो हो। हम लोग वो चलाक होते हैं, क्या करते हैं हम, पिक एंड चूज मेथड करते हैं। जब कर्म करते हैं तो कर्म इति हस्तयोः में और क्या भावना ना, हाथ का अधिदैविक कौन है, हाथ का देवता कौन है, इंद्र देवता, अर्थात भगवान इंद्र ही हमसे सब करवा रहे हैं, अच्छा कर्म भी बुरा कर्म भी। जब बुरा कर्म हम करेंगे नहीं, क्यों, इंद्र जो भगवान है वो बुरा कर्म नहीं कर सकते, और हम क्या करते हैं पिक एंड चूज करते हैं। एक सेठ था, उसने बहुत सुंदर फूल बगीचा बनाया था और उसके साथ वेजिटेबल भी बनाया था, जैसे हमारे आश्रम में बना है, तो सब लोग आके प्रशंसा करते थे। सब जगह पर देखना वो फूल फ्लावर्स का कंपटीशन होता है, प्राइज भी मिलता है ना, तो अच्छा बनाया था। एक दिन कुछ गलती से गाय घुस गई और उस सेठ ने गुस्से में डंडा निकाला और उसको मार दिया, तो जो गाय का जो सिर है वो तालू में हुआ प्रहार पड़ा, वो मर गई। तो तुरंत मजदूर को नौकर को बुलाया और मिट्टी निकाल करके कर दिया,
बन। अब गाय के जो मर गई है उसका पाप है वो लेना पड़ेगा, तो पाप को लेने के लिए कहा गया कि तुम मारा है। उसने कहा कि मैंने नहीं मारा है। ना कैसे, ना हाथ का जो देवता है ना इंद्र, इंद्र ने मारा है। अब चित्रगुप्त बोले अच्छा ऐसे ही बात है ना, हो इंद्र के पास गए ना, आपके नाम पर एक आदमी बोल रहा है ना, क्या ना हाथ का जो देवता है वो आप हो, उसने गाय मारी है और बोल रहे आप मारे हो। इंद्र का ठीक है मैं संभालता हूं। इंद्र एक ब्राह्मण बन के आ गए और ब्राह्मण को दिखाना था, मैंने सुना है कि आपके बगीचा बहुत अच्छा है, गांव में फर्स्ट हुआ है ना, यस लगातार हो रहा है इतने साल से, और आप वेजिटेबल भी बनाए ना, हाँ ये है वो सब दिखाया, ये कौन बनाया मैंने, ये कौन बनाया मैंने, कितने साल से 10 साल से, ये कौन बनाया, करते करते जहां गाय मरी थी ना वहां मिट्टी, तो बोले ये थोड़ा मिट्टी थोड़ा अलग लग रहा है, इसको खोदा जाए। नहीं नहीं जरूरत नहीं, खोदा जाए करके वो कुदाल लेके खोदना शुरू कर दिया। तो जब कुदाल लेके खोदना शुरू किया तो गाय निकली। बोले ये गाय किसने मारी, ना ये गाय जो मारी है ना वो इंद्र देवता ने मारा है। तो इंद्र प्रकट हो गए और कहा कि अरे जो फूल बनाया बगीचा बनाया किसने, तुम, जब वेजिटेबल बनाया किसने किया, तुम, जब फर्स्ट हुए किसने किया, तुम, और अभी गाय, तो कर्म हस्तयो हो, अर्थात सब कुछ समर्पण है, अच्छा कर्म बुरा कर्म भगवान के समर्पण है। फिर गतेरिते पादयो हो, जब मनुष्य तुम कर्म करते हो, माने एक्टिविटीज, हाउ एक्टिविटीज कैन बी उपासना, एक्टिविटीज कैन बी मेडिटेशन, ध्यान, अर्थात ध्यान भी कैसे डायनामिक, इसलिए डायनामिक ध्यान बोलते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान उपासना, तुम पैदल चल रहे हो, तुम कर्म कर रहे हो, तो भी उपासना हो सकता है। क्या गतिरिते पायो पादयो, जो पाद में हम गति करते हैं, अर्थात जब एक्टिव रहता है मनुष्य, चलन करता है, व्यवहार करता है, वो भी विमुक्ति रीति पायो, विमुक्ति रीति पायो, पायु से जो त्याग करते हैं हम, ये कोई खराब चीज नहीं है। मनुष्य व्यवहार करता है विसर्ग रूप गुदा में, गुदा के दौरान विसर्ग करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जाते हैं, सोच जाते हैं, कहते वो भी एक साधना है। स्वामी जी लेटरिन के में बैठ के साधना है ना, हाँ देखो कुछ कुछ तो लेटरिन में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेटरिन में क्योंकि समय मिलता है वही टाइम, तो ऋषि लोग को तो कोई खराब नहीं। लेटरिन तुम जब त्याग करते हो वो भी ब्रह्म है, त्याग करते हो मित्र देवता वो है, और जब सृष्टि करते हो तो ब्रह्मा देवता है, जब सर्जन करते हो तो त्याग जब करते मित्र देवता, कहीं कहीं शंकर देवता के लिए है, तो ज्यादातर मित्र देवता है, वो भी तुम कर सकते हो त्याग में। विमुक्ति रीति पायो, ये इसके बारे में एक सुंदर कथा है, क्या कि चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र गाते थे। ये कलि संतरण उपनिषद मंत्र है, ये एक ही मंत्र है, तीन नाम है, हरि 8 बार, राम 4 बार, कृष्ण 4 बार, बस हो गया। हरे हे हरे, हरे राम राम नहीं राम, हे राम, तो हे राम हे हरि हे कृष्ण, बस यही है। धातु नहीं है, धातु माने क्रिया नहीं है, कर्ता भी नहीं है, सब संबोधन है। हाईएस्ट समाधि की अवस्था है, भगवान के साथ जुड़ने के जो अवस्था है। सुंदर गाते थे, मगर सोच के समय नहीं गाते थे, समझ में आया।
जब लेट्रिन जाते थे पहले जमाने में लोटा लेना पड़ता था, या तो नाली है तो वहां वो बंद करते थे। तो उनका कोई एक संत है जिसके चलते समय बंगाल से वृंदावन, वृंदावन से जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ये सब जाते थे। तो एक संत का दर्शन हुआ, संत के पास रुके, देखा कि हमेशा ही हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बड़े भाव से गाता है ये, पर जब सोच जाते बंद क्यों करता है। तो उन्होंने पूछा, तब कहा नहीं, सोच में भी भगवान को याद करो। क्या सोच में काल नहीं लेगा, तुम्हारा प्राण चला जाएगा, तो फिर कैसे करो? ये तो वेद मंत्र है, वेद मंत्र के नीति नियम है, तो उसको तुम उल्टा दो। देखो, और एक है, तुम्हारा जो इष्ट है वो कृष्ण है, इष्ट मुख्य वृत्ति होना चाहिए, तो इसलिए तुम कृष्ण को ले आओ। देखना आप, माने वैष्णव संप्रदाय में, कुछ कुछ ओडिशा में, बंगाल में, और जहां वैष्णव संप्रदाय का है वहां क्या गाया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मग मूल है, अब केरल में मैं गया था, हमारे एक स्वामी जी थे, वो दोस्त थे, वो मंजरी के हैं, और हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद उनके स्वामी चैतन्यानंद जी, मैं दोनों उनके पास गए, वो अभी नहीं है स्वामी जी, माने चिन्मय मिशन में नहीं, बड़े प्यारे हैं। तो उन्होंने बुलाया कि चलो, तो उस समय जन्माष्टमी पड़ गए, और वो उन्होंने कहा कि तुम तो भागवत बोलते हो तो तुमको प्रवचन देना है 5-10 मिनट, ठीक है, पर मैं तो हिंदी में दूंगा, ये केरली है, मलयाली लोग समझ सकते हैं ना, हाँ मैं उसको मलयाली कर दूंगा, तुम जो प्रवचन दोगे। तो फिर वो कीर्तन करना चाहते हैं और हम लोगों को लेके आना चाहते हैं जहां हम रह रहे हैं, तो रेडी होना हम लोग, ओके। तो हम लोग तीनों स्वामी जी हैं और कीर्तन करके लेके आएंगे, माला लगा करके। देखो, इंडिया के कहीं ना ये संस्कृति है, हम लोग लगता है यहाँ है वहां नहीं है, वहां है यहाँ नहीं है, चारों तरफ है, केवल देख घूमने से पता चलता है। वहां पर गाया हरे राम 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 हरे हरे, तो मैंने प्रवचन यहीं से स्टार्ट किया कि आप लोगों ने बड़ा सुंदर गा रहे थे हरे राम, मगर बंगाल में जाइए, उड़ीसा में जाइए, तो वहां हरे कृष्ण क्यों हुआ, वो फिर मैंने कथा बताई। ये यहां पर मेन पॉइंट है, ऋषि कहते हैं विमुक्ति रीति पायो, अर्थात जब तुम त्याग भी करते तब भी तुम भगवान को याद कर सकते हो। इति मानुषी समाज्ञा, ये है मानुषी मनुष्य आध्यात्मिक मेडिटेशन, अर्थात मेडिटेशन कनेक्टेड विथ फिजिकल बॉडी, अब है दैवी, अर्थात फेनोमेना, फेनोमेनन का कैसे देखना, अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टो बलमिति विद्यतो अशयति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्दयत्युपस्थे सर्वमिति आकाशे तत्प्रतिष्ठितोपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत तन्न महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्म इत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति। अब कहते हैं देखो, मैं तुमको क्या बता रहा हूं, दैवी उपासना बता रहा हूं, तृप्ति रीति वृष्टो, अर्थात जब बारिश होती है। अभी देखो डायरेक्ट चले गए शरीर का था, अब कहते संसार में तुम
जो फेनोमेनन है उसको देखो, जहां बारिश होती है ना, उस बारिश में तुम तृप्ति का अनुभव करो। इसको अगर डिटेल जाएंगे थोड़ा सा, तृतीय अध्याय गीता है, अगेन भगवान कृष्ण को ला रहे हैं, और ये भगवान कृष्ण हमेशा रेडी है, अवेयर रेडी है, वो गीता के रूप में अवेयर रेडी है। गीता में हृदय पार्थ है, पार्थ गीता मेरे हृदय है, गीता मेरी वाणी है। तृतीय अध्याय में भी यही है, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न संभवः। उसमें पर्जन्य का अर्थ पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, कहते हैं वो फेवरेबल कंडीशन स्माइल फोर्थ। अगर आप होली गीता के गुरुदेव के जाएंगे पढ़ेंगे, एक फेवरेबल कंडीशन, जब बारिश होती है एक फेवरेबल कंडीशन देता है, एक प्रकृति के साथ हम जुड़ जाते हैं। बहुत लोगों को बारिश, मुझे बहुत पूछते हैं, स्वामी जी आपको बारिश भीगना पसंद है? बोला हाँ पसंद है, मगर कोई कफ एंड फीवर ना हो, क्योंकि बारिश है माने भीगना हो माने कफ एंड फीवर हो जाता है, और कफ एंड फीवर है तो प्रवचन में मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा सा पसंद होते हुए भी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, भैया ना जब कोई प्रवचन नहीं है, और ये कम बात है कि प्रवचन नहीं है, इसीलिए बारिश देख के ही आनंद लेना। इसके बारे में विचार करने का तो मजा आता है, बारिश को देखो और उसमें तृप्ति अनुभव करो। बलमिति विद्युति, जो विद्युति है लाइटनिंग थंडर, उसमें तुम बल को देखो, बल माने क्या, स्ट्रेंथ, एक्टिव। बिजली जो है ना वो एक्टिव है, तो तुम्हारे जीवन में भी तुम जब फेनोमेना को देखते हो वो अनुभव करो, तृप्ति का अनुभव, बल का अनुभव। यश इति पशुसु, जब पशु देखते हो वो तुम्हारे लिए यश है, फेम है। अच्छा इसके बारे में विचार करें, पुराने जमाने में जिसके पास जितना पशु है उसका उतना फेम है, उतना धनी है वो। तो तुम्हारे जो नेम एंड फेम पशु के ऊपर निर्भर, पशु एग्रीकल्चर में काम आता है, पशु बिजनेस में काम आता है, पशु ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। अब आप जो केदारनाथ देखे हो ना, टिहरी के राजा थे शंकराचार्य, ने कहा टिहरी राजा को केदारनाथ ध्वंस हो गया है और तुम मंदिर बनाओ, तो टिहरी से हाथी से बड़े बड़े पत्थर सब जा रहा था, तो बहुत इवन कोणार्क में भी हाथी से सब लेते थे बड़े बड़े पत्थर। तो ये पशु, ये हाथी भी पशु है, गाय है, बैल है, उसको लेकर के बैलगाड़ी में कितने दूर दूर जाते थे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है, तो ये यश है। ज्योति रीति नक्षत्रेषु, जो नक्षत्र है ना उसमें ज्योति रूप में, जहां तुम नक्षत्र को देखते हो तुम्हारे अंदर एक ज्योति आता है और तुम अपने आप को कनेक्ट करो नक्षत्र में, जैसे ज्योति है, जैसे शाइनिंग है, तुम्हारे अंदर भी शाइनिंग आए। पुत्र आदि प्रजा, अर्थात जो प्रजाति अमृतम आनंद इत्युपस्थे, जो पुत्र उत्पन्न होते वो पुत्र में तुम आनंद की प्राप्त करते, पुत्र आदि में आनंद, पितृ ऋण से मुक्ति होना रूप अमरत्व और आनंद रूप उपस्थ में। जब यहाँ पर वर्णन है गृहस्थ जीवन है, जब कोई माने प्रजनन के समय में रहते हैं, संभोग के समय में रहते हैं, तो भी वो आनंद है, क्योंकि वो जो ब्रह्मा है उपस्थ के जो देवता है वो ब्रह्मा है और ब्रह्मा आनंद देते हैं। उस दृष्टि से देखो, ये कोई घिनौना या कोई खराब चीजें है उसको मत देखो, ये एक संसार के एक नियम है, इस समय भी तुम आनंद देखो। सर्वमिति आकाशे तत्प्रतिष्ठित, अर्थात सब ब्रह्म आधार है, ब्रह्म ही सबके साथ तुम ब्रह्म जोड़ो और ब्रह्म उपासना करो। जो इस प्रकार के उपासना प्रतिष्ठावान हो जाता है, और वो ब्रह्म कौन है ना, ब्रह्म महत गुण है, तो ये कल हम बता देंगे, कल लास्ट है, इसको देख करके फिर जितना श्लोक बाकी है उसको हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।